ओके सो हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। सो गाइस चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को सिंपली डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो उसके बाद आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को कुछ स्टेप्स यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो गाइस ये मॉडल जो है मैंने दूसरा यूज़ कराया है ताकि यार आप सभी को मैं एग्जांपल के तौर पर समझा सकूं। तो आप सभी को यहाँ पर मॉडल को लगा लेना है, कुछ स्टेप्स एंड कर देना है यहाँ पर टर्न। एंड उसके बाद आप सभी को जो है यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। मैं आप सभी को एक कप का पीएनजी दे दूंगा, तो आप इस कप का पीएनजी को ले लेना। तो इस पीएनजी को मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे साइड में ऊपरी तरफ लगा दूंगा कि जो है हमारे हाथ से उड़ रहा है मैं, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स लगा दूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, यहाँ से इसको लगा देने के बाद कर देना है डन। एंड उसके बाद गाइस जाना आप सभी को दोबारा से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को मैं एक पीएनजी दे दूंगा स्मोक का, तो आप सभी इस पीएनजी को ले लेना है। एंड यहाँ पे जाकर इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। एंड इसको आप सभी कुछ स्टेप्स यहाँ पे कप के पास लगा देना है। ये क्यों लगाना है गाइस, क्योंकि जो हमारा जब रॉकेट का पीएनजी लगाएंगे तो गाइस उसकी जो मतलब कि नीचे से रॉकेट के नीचे से जो स्मोक निकल रहा है वो जमीन में आके इकट्ठा होता था और ऊपर की तरफ वापस से जाता है। तो कुछ स्टेप्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि जो मतलब कि उसका स्मोक जो होगा हमारे हमारे कप के अंदर आ रहा है और कप से बाहर निकल रहा है। तो कुछ स्टेप्स हमें दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे सिंपली इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस को थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से मैं सिंपली इरेज करता हूँ एंड जो ओपेसिटी इसको मैं यहाँ पे फुल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज कर लेने इस तरीके से इरेज कर लेना आप सभी को भी। एंड जो साइड में आप सभी को एक लाइन दिख रही होगी तो उसको भी थोड़ा थोड़ा आप सभी को इरेज कर लेना है, ताकि मतलब दिखना नहीं चाहिए कि आ रहा है ये जो है ना मतलब मैंने कोई पीएनजी लगाया है, तो रियलिस्टिक से लगना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा इरेज हो गया इसको मैं यहाँ पे पेंट करके ले आता हूँ एंड जो वहाँ पे साइड में लाइनर्स को इरेज कर लेता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद आप सभी को गाइस यहाँ पे कर देना डन, ठीक है। इतना करने के बाद आप सभी को जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद ये रॉकेट का पीएनजी ले लेना है, ठीक है। तो ये रॉकेट का पीएनजी फुल एचडी में, तो कोई दिक्कत बात नहीं, आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड इसको आप सभी कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐसे लग कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से हल्का सा इरेजर टूल में जाकर हार्डनेस को कम करके यहाँ से इरेज कर देना है, ठीक है। जो स्टेप से इरेज कर देना है एंड ये दोनों है जो दोनों को आप सभी को जिस स्टेप से रेस कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, ऐसे कर देना है डन, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली कर लेते हैं डन। एंड डन वाले ऑप्शन पर डन कर देने के बाद आप सभी को फिर से क्या करना है, अब आप सभी को यहाँ से जाना टूल्स में और सॉरी इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद आप सभी को जाना एडजस्ट में, उसमें ब्लर में। ब्लर में जाने के बाद ब्लर का अमाउंट जो टू रखना है एंड इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है। एंड यहाँ पे ब्रश का जो साइज है थोड़ा छोटा रख देना है। एंड फेस के ऊपर पूरे फेस पे अच्छे से आप सभी को पेंट कर देना है, क्योंकि यार क्या होता है ना जो हमारे बैकग्राउंड होते हैं ना गाइस, अगर आपको आपका बैकग्राउंड अगर एच डी क्वालिटी में भी होगा ना, तब भी यार आपकी जो फेस की क्वालिटी है जब आप अपने मॉडल को लगाते हो तो यार उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो यार ये ब्लर वाले ऑप्शन से क्या होता है कि ये मैनेज हो जाता है, मतलब कि थोड़ा स्मूथ हो जाता है और अच्छा दिखता है। तो ये ब्लर वाला ऑप्शन जरूर यूज़ किया करो आप भी। तो इतना कर देने के बाद आप सुबह जाना टूल्स में, फिर उसका जो एडजस्ट में जाना, फिर ब्राइटनेस को बढ़ा देना, इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करके ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा करके फेस के ऊपर आप शुरू करना डोजन बन, ठीक है। कुछ इस टाइप से जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप से आप सभी को कर लेना है। एंड अगर आप सभी को पूरी वीडियो देखने, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी, तो वो जरूर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी यहाँ पर डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को एक लास्ट पीएनजी लगाना, तो उसके लिए क्या करना है, आप सभी जाना ऐड फोटो में। एंड ये जो पार्टिकल्स का पीएनजी इसको आपको लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आप सभी को कुछ इस टाइप से जिसका स्मोक निकल रहा है इस जगह पे आप सभी को उसको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ लगा देने के बाद आप सभी को अब करना है कि आप सभी को यहाँ पे सिंपली कर देना है डन। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से आप फोटो को जो है कर लेना सेव। एंड इसमें करनी है हमें कलर करेक्शन, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैसेज लेंगे बैक। एंड इसको बैक जाने के बाद हमें लाइट रूम को ओपन कर लेंगे। एंड गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड यार मेरे को वीडियो लाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यार जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चले गए, सब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमने अपनी फोटो को परफेक्टली ऐड कर लिया है, तो उसके बाद आप सभी को करना है कि इसका जो कॉन्ट्रास्ट है बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को बढ़ा देना है, शेडो को बढ़ा देना है, वाइट को थोड़ा कम कर देना है, और जो ब्लैक है इसको बढ़ा देना है। एंड जाना कलर्स में वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसका जाना मिक्स में ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके लेमिनस को बढ़ा देना है। एंड जाना येलो कलर में इसके ह्यू को थोड़ा चेंज कर देना है, ठीक है। एंड उसका जाना ब्लू कलर में इसके ह्यू को माइनस में रखना है, एंड प्लस में सैचुरेशन। एंड उसके बाद कर देना है डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को कलर्स के नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी इसको इंक्रीज कर देना है, फोटो में डस्ट को थोड़ा बढ़ा देना है, विग्नेट भी डाल देना है थोड़ा सा, ठीक है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस इसको इंक्रीज कर देना है, नॉइस डायरेक्शन इसको भी इंक्रीज कर देना है, कलर नोटिफिकेशन इसको भी इंक्रीज करना देना है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड गाइस आप सभी को मैंने एंड स्क्रीन में दो वीडियो दे रखी है, ये दोनों वीडियो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए मेरी इस वीडियो में, एंड ये वीडियो को काफ़ी लोगों को पसंद भी आई। एंड अगर आपको भी मतलब इसमें से थंबनेल देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ यार आप इस वीडियो को चेकआउट करो, काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप सभी को सारे पीएनजीज वगैरह आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।